28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और हमने बायकॉट कर दिया तालीम और नॉलेज का, आज करीं 400 सालों से। बड़ी बात हुई है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मजाहिब हैं, उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। चीमा साहब, जर्मनी ने जब प्रेस इन्वेंट की थी तो टर्किश मौलवियों ने कहा था ये कुफर है, इस पे कुरान प्रिंट करेंगे, ये कुफर है, ये सारा ये आपकी हिस्ट्री है। $5 अरब बिल क्लिंटन अगर मैं कहता मुझे दे दो तो वो मुझे दे देता, यानी अमेरिका भी हमसे भी गया गुजरा है। पता नहीं क्या $5 अरब 5 रुपए थे कि वो नवाज शरीफ साहब को दे देते और नवाज शरीफ साहब अपने अकाउंट में रख लेते, यानी हद ही हो गई है। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। जबरदस्त, अब पाकिस्तान के अंदर 90% से ज्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकट्ठा नहीं रख पा रहे वहाँ तो हर 10-15 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद मजहब भी चेंज होता है, जुबान भी। पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी, मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया की आंखें खटक गई। आप सिर्फ दो आपकी कंडीशंस हैं, कहते हैं यहां तोड़ा ला देंगे इंतजाम, आप फिर मुसलमान बन जाओ, और तुसी पहले आप तो मुसलमान बनो यार, खुदा दा ना तुसी नाराज हो। हमने बायकॉट कर दिया तालीम और नॉलेज का, आज करीब 400 सालों से। चीमा साहब, जर्मनी ने जब प्रेस इन्वेंट की थी तो टर्किश मौलवियों ने कहा था ये कुफर है, इस पे कुरान प्रिंट करेंगे, ये कुफर है, ये सारा ये आपकी हिस्ट्री है। आप भाई आप नाराज हैं दुनिया से, क्यों नाराज हैं आप, क्या वजह है आपका इतना गुस्सा है दुनिया में इतना? आप सिर्फ दो आपकी कंडीशंस हैं, कहते हैं यहां तोड़ा ला देंगे इंतजाम, आप फिर मुसलमान बन जाओ, और तुसी पहले आप तो मुसलमान बनो यार, खुदा दा ना, पहले खुद ते मुस्लिम बनो, देख रहे हैं आज आज क्या कह रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि या इस्लाम एक्सेप्ट कर लो तो या हम गर्दनें उतार देंगे, यार ये कैसा तुम्हारा प्रिंसिपल यार, क्या डील है ये? अच्छा ठीक है, वो ये चाहते हो, वो पहले खुद तो मुसलमान हो लो ना यार। वो कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना लो, पाकिस्तान पाकिस्तान बना लो जी, अगे चलना जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो ये सारी बात है, इस तरह के रेडिकल वो एक नहीं सर, रेडिकल एक नहीं जो सेगमेंट, मुझे चीमा साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई रीजनेबल मुल्क बता दें जो लिवेबल है आज, कोई बता दें इस्लामिक कंट्री लिवेबल है, क्यों आपके सारा हर बंदा जो आप देखें चीमा साहब आपके बाख्तियार हर बंदा क्यों टोरंटो लंदन जा रहा है बच्चे लेकर, अपने क्यों जा रहे हैं, चले ने नक्च रोटियां पे पांदे, अच्छा आप ही नहीं है, अफ्रीकन भी सारे, अरबे भी सारे, हर शायद क्यों आप, यू आर इन लव विद द क्रिश्चियन कंट्रीज, क्यों, व्हाई इस्लामिक कंट्रीज आर नॉट लिवेबल एनीमोर, एक कंट्री मुझे बता दें चीमा साहब, तुहानू मैं चैलेंज कर देता, मैं सवेरे उठे चला जाता, कहो जी वो फलाना टुर जाए यार, फलानी जगह बड़ी नाइस है, जन्नत है यार तेन, उ कोई क्राइम नहीं है, कोई कुछ नहीं, जाओ अपॉर्चुनिटीज बड़ी, मैं आई विल लीव, व्हाई, उसकी वजह है कि तुम्हारा गुस्सा ही नहीं खत्म हो रहा है दुनिया से यार, रेंजे इतने गुस्से में आप लोग यार, हर मजहब को कहते हैं हम इनके गले काट देंगे, कुफार है कुफार, काफर, मारो घाटे ला घाटे ला दे। डॉक्टर साहब घाटे लाने की बातें हो रही हैं और ये बातें तो सही है, ये आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला है, थोड़ा गुस्सा ही नहीं मोक रहा दुनिया के बारे, दैट यू नो हैज सम वेट, इस बात का बड़ा वजन है। तार साहब, मोदी साहब और काकड़ साहब दुबई पहुंचे हुए हैं सर, अबूजहबी में, सुने हैं कोई छुप छुप के मुलाकात की चांसेस हैं, या क्या आपको लगता है मोदी साहब लिफ्ट नहीं कराएंगे, और काकड़ साहब भी जारी बात है खुद तो नहीं आया उस पावर में, वो भी कोई रिस्क नहीं लेंगे मोदी साहब से मिलने का, आपको क्या लगता है, कोई दूरों पंजाबी के अंदर आंख में टका होएगा, हेलो हेलो हाय हाय होएगी, या के मैं जी मुंह सुझा के आ जाएंगे दो में? चीमा साहब मैं काप 28 के बारे सोच रहा था, मैं क्या ये नाम कितों ले लिया ना यार, की चक्कर, फिर मैं सोचा, मैं क्या मैं पहले सोचता रहा क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं काप 28 ये काप ऑफ 28 ये क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान थे नहीं ये, फिर मैं सोचा नहीं नहीं फिर मैं सोचा यार गल सुनो, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सी पैसे मंगने की, तो तुहाडे सलाब तो उजड़ गए, तुसी तो केस ही नहीं उस जगह दस्या, उत लुट मैं उत्थे होंदा टुटा भज्जा किसी हथियार, मैं तो गल पै जाके मैं तो उत्थे बाहर खलो कपड़े पाड़ लैने सन जाके सी काप दे अगे,
नहीं तो वो हम कह रहे हैं तार साहब, हम कहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज बिलो 1%, लेकिन हम अफेक्टेड उसमें तार साहब बहुत ज्यादा। 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो भी उसमें शामिल हैं, और उस यानी पाकिस्तान से काकर साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें। डॉक्टर साहब क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है, तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस की वजह से। सेकेंडली पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी, मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है, ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकॉनमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकॉनमी बन चुके हैं एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा इंडिया देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते, चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, बल्कि वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नज़र नहीं आता, किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं, मुझे किसी जगह पे भी मतलब ये सब प्लेटें जो होती हैं वो पत्तों से बनी हुई मिलती हैं, ठीक है, मतलब मुझे मैंने एक पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है।